अगर आप उत्तर भारत से हैं तो आपने वीर लोरिक के बारे में सुना होगा। अगर नहीं तो जानिए कौन था वीर लोरिक, जिसने अपनी तलवार के एक ही प्रहार से एक विशाल पत्थर के दो टुकड़े कर दिए थे। ये पत्थर आज भी मौजूद है, इसे वीर लोरिक पत्थर के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं वीर लोरिक के जीवन के बारे में। तो गाइस, मैं करण कुमार, और शुरू करते हैं अजब गजब चैनल के माध्यम से। वीर लोरिक का जन्म उत्तर प्रदेश के एक क्षत्रिय यदवंशी अहिर परिवार में हुआ था। वीर लोरिक को कुछ लोग राजा भोज का वंशज भी मानते हैं। वीर लोरिक बलशाली और एक वीर योद्धा था। ऐतिहासिक कहानियों के अनुसार वीर लोरिक की ऊंचाई 8 फुट और शरीर भीम जैसा था। कहा जाता है कि उनकी तलवार का वजन ही 85 मन था। वीर लोरिक की कहानी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सोन नदी के किनारे बने अघोरी राज्य से शुरू होती है। उस राज्य का राजा मोलागत था, जो बहुत ही क्रूर राजा था। अघोरी के राजा मोलागत के राज्य में मेहर नाम का एक अहिर रहता था। मेहर की 7वीं संतान का नाम मंजरी था। मंजरी पे मोलागत की बुरी नज़र पड़ जाती है और वो अपने साथ उसे अपने महल में ले जाना चाहता है। उस समय वीर लोरिक के वीरता के चर्चे बहुत थे। मंजरी के पिता ने सोचा कि अगर वीर लोरिक से मंजरी का विवाह कर दिया जाए तो उसे मोलागत से बचाया जा सकता है। लोरिक से मंजरी के विवाह की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन लोरिक भी जानता था कि उसका विवाह रोकने के लिए मोलागत पूरी कोशिश करेगा। वहीं इतिहासकारों की माने तो लोरिक देवी का बहुत बड़ा भक्त था। कुछ जगह उसमें शक्तियां होने की बात कही गई है। मंजरी से विवाह करने के लिए लोरिक सोनभद्र नदी के सोन तट के किनारे आ जाता है। असल में बरातियों के बीच में वह वहाँ अपने साथ सैनिकों को भी ले आता है। मोलागत भी लोरिक को रोकने के लिए एक बड़ी सेना लेकर लोरिक के सामने आ जाता है और इस जगह पर लोरिक और मोलागत के बीच भयंकर युद्ध होता है। कहा जाता है कि ये लड़ाई इतनी भयंकर थी कि पास में बह रहे एक नाले के पानी का रंग भी लाल हो गया था। आज भी उस नाले को रुदिना नाले के नाम से जाना जाता है। उसी जगह नरमुंडों का ढेर भी लग गया था और उस जगह को नरकटवा के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में वीर लोरिक की वीरता की एक और कहानी सुनने को मिलती है, जिसके अनुसार इस लड़ाई में इंद्रावत नाम का एक हाथी भी मारा जाता है। कहते हैं इंद्रावत नाम के हाथी को लोरिक ने अपने मुक्के के एक ही प्रहार से मार डाला था और जनश्रुतियों में लोरिक को हाथी से भी ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है। लोरिक ने इस लड़ाई में जीत हासिल की और राजा मोलागत मारा गया। इस तरह से लोरिक और मंजरी की प्रेम कहानी पूरी होती है। लोरिक और मंजरी की ये प्रेम कहानी उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में बहुत प्रसिद्ध है। जब मंजरी विवाह के बाद लोरिक के साथ जाने लगती है तो वो लोरिक को कुछ ऐसा करने को कहती है जिसे आने वाले लोग उन्हें हमेशा के लिए याद रखें। मंजरी लोरिक को एक चट्टान दिखाते हुए कहती है कि अपनी तलवार से इस चट्टान के 2 टुकड़े कर दो ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक यादगार बन जाए। इसके बाद लोरिक अपनी तलवार के एक ही वार से उस चट्टान के 2 टुकड़े कर देता है। ये चट्टान आज भी मौजूद है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। आपने हीर राजा लैला मजनू की प्रेम कहानियाँ सुनी होगी। लोरिक और मंजरी की कहानी भी एक प्रेम कहानी है, जिसे लोरिकायन नामक कृति में लोरिक नामक पत्थर का व्याख्यान किया गया है। वीर लोरिक की इस कहानी का उल्लेख अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग से किया गया है, लेकिन क्या ये कहानी मात्र कल्पना है या इसमें कुछ सच्चाई है? अगर इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो अजब गजब फैक्ट्स के करण कुमार से ज़रूर शेयर करें। आपसे फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।